जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने आशंका जाहिर की थी कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या 2025 में जिस तरह के हालात पूरे विश्व के अंदर बनेंगे, उसमें परमाणु बम से कहीं ज्यादा संभावना जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बनेगी। लेकिन उस समय पर मुझे एक डाउट था कि कोविड को लेकर के जिस तरह के हालात हैं और दुनिया में जिस तरह से उस पर कंट्रोल हुआ है, क्या 2025 तक क्या कोई कनेक्शन ऐसा बनेगा शनि का जो इस घटना को बहुत लंबे समय तक, इतने लंबे समय 2025 तक कैरी करवाए। लेकिन जैसे ही चाइना के जो हालात बने हैं, उसके बाद शनि की कार्यप्रणाली और उसका क्या असर होगा और क्या व्यापक रूप होगा 2025 में, इसका आकलन करने में बहुत ही सहजता हो गई है। शनि नॉर्मली धीरी गति के लिए जाना जाता है, बैक्टीरिया वायरस के लिए जाना जाता है, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, मेडिकल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं परमाणु युद्ध की, तो परमाणु युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी डिस्चार्ज होती है और ये कहीं ना कहीं शनि के विरुद्ध है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक लंगड़ा व्यक्ति किसी पर दौड़कर हमला नहीं कर सकता, एक दुर्बल आदमी किसी ताकतवर को लड़ाई के लिए नहीं ललकार सकता, ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है। यानी अगर शनि ने महायुद्ध जैसा कोई कृत्य करवाना है इस विश्व के अंदर, तो वो अपने ही तरीके से करवाएगा, अपने ही टेंडेंसी से करवाएगा। और उसने 2020 के अंदर पूरे विश्व को कोविड के रूप में एक संकेत भी दिया है। जब 2020 के अंदर राशि परिवर्तन हुआ 30 वर्षों के पश्चात शनि का, तो कोविड महामारी आई। जब कुंभ राशि के अंदर शनि का प्रवेश हो रहा है, अगेन चाइना के अंदर वायरस एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे में दोनों कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि जब शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में जाएगा, उस समय पर दुनिया के अंदर एक ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे जैविक हथियारों की होड़ बढ़ जाए। यानी दो संपन्न राष्ट्र अगर मान लीजिए परमाणु हथियारों से लैस हैं, तो वे अच्छी तरह से जानते हैं यदि हमने एक परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो उनके पास भी मौजूद है, वो भी करेंगे। यानी नुकसान तो दोनों का होगा। और एक परमाणु बम के इस्तेमाल से रेडिएशन कितने सालों तक उस इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देगा, इस बात को भी वो लोग जानते हैं। और ये कार्य शनि के क्षेत्र में नहीं आता है, शनि की टेंडेंसी इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में जैविक हथियारों का इस्तेमाल आने वाले समय के अंदर जब महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध जैसी घटना होगी 2025 से लेकर के लगभग उसके आसपास, मिड 2025 के आसपास की जब मैं घटनाओं को देखता हूं ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, तो वहां पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल होता हुआ मुझे अवश्य नजर आता है। यानी परिस्थितियां ऐसी बने कि इस पूरे विश्व के अंदर संपन्न राष्ट्र एक दूसरे को हराने के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल करें, जिससे बहुत सारे लोग उसके दुष्प्रभाव के चपेट में आए और एक ऐसी मानव त्रासदी की घटना इस विश्व के सामने क्रिएट हो जिससे दूसरे देश उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो। क्योंकि इस घटना के पीछे ना तो उन्हें कोई तत्काल राहत मिलेगी, क्योंकि पूरे विश्व में इनका सुरक्षा कवच उपलब्ध ही नहीं होगा। जो वायरस छोड़ा जाएगा, ये क्यों कह लीजिए कि अगर कोई जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तो उनको डिटेक्ट करके और उनके द्वारा सुरक्षा दूसरों को कैसे दी जाए, इसमें भी एक वक्त लगेगा। तब तक तो युद्ध के परिणाम ही आ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति को मैं शनि के आधार पर देख रहा हूं, क्योंकि जैविक हथियारों का संबंध शनि से बनता है। और मंगल चूंकि 6 माह अभी वृषभ राशि में बिता के गए हैं, ये भी एक इंडिकेशन देते हैं कि इन 6 माह के अंदर जैविक हथियारों को लेकर के कोई गुप्त अनुसंधान पूरे विश्व में हो रहे हो,
इसकी ओर भी इशारा हमें मिलता है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ये कहती है। और ऐसे में जैसे ही शनि अपने कुंभ राशि को छोड़कर निकलेंगे, उसके बाद में इस घटना को सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने आते हुए हम देखें, इसकी संभावना बनती है। इसीलिए इस बार का जो तीसरा विश्व युद्ध है, ये जैविक हथियारों से लड़ा जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इसमें नहीं के बराबर हो या हो ही ना, इसकी संभावना भी बनती है। देखना यह है कि युग परिवर्तन के इस आखिरी पड़ाव में, जैसे महाभारत के अंदर परिस्थितियां बड़ी विचित्र हुई थी, उसी तरह से देखना यह है कि 2025 के आते आते ये दुनिया किस तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगी। लेकिन शनि ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर जैविक हथियारों का इस्तेमाल की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शनि की कार्यप्रणाली से बिल्कुल मैच करता है। परमाणु हथियार शनि की कार्यप्रणाली से मैच नहीं करते हैं, इसीलिए ये द्वंद्व जो अब तक हमारे सामने था, शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही जो प्रभाव हमने विश्व पर देखा है, इसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि आने वाले समय के अंदर जैविक हथियारों के इस्तेमाल को सीरियसली लेना पड़ेगा और उससे बचने का रास्ता दुनिया को अभी से खोजना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको एक ऐसे टॉपिक पर, बहुत ही सीरियस मैटर है ये, इस पर एक ज्योतिषीय आकलन दिया है जिसे आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ भी पाएंगे। इसीलिए इस बहुत ही सीरियस मैटर पर मैंने बहुत ही संजीदगी के साथ साधारण शब्दों में पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी बात रखने का प्रयास किया है जिसके संकेत हमें अभी से मिलना आरंभ हो चुके हैं। देखना यह है कि धरातल पर यह सच कब होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।